हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक। वीडियो संख्या ये 10 है, कक्षा तीसरा से हिंदी, क्योंकि 4-5 वीडियो हो चुका है और ये अंतिम वीडियो है तृतीय क्लास हिंदी से। कॉम्पल पार्ट 15 से आगे शुरू करेंगे और आज इसको हम समाप्त कर देंगे। इसको अब चूंकि रिवीजन कर रहे थे लेकिन थोड़ा आराम से चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि पीडीएफ अगर देते हैं तो थोड़ी सी तकनीकी खामियां आ रही थी, तो हम अब कहानी को शॉर्ट करते हुए प्रश्न पर लेकर आगे बढ़ेंगे तेजी से। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और चलिए चलते हैं आगे। हम लोग 15वां अध्याय में स्टार्ट करेंगे, तो 15वां अध्याय में साहसी इंद्रा वर्ग तृतीय कोम्पल 15वां अध्याय साहसी इंद्रा। अब एक्चुअली कुछ ट्रैक हम चेंज किए हुए हैं, 15वां अध्याय पहले पीडीएफ हम देते थे और उस पर चर्चा कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा सा तकनीकी पहलू और प्रॉब्लम आ भी गया, तो थोड़ा चेंज करें। तो साहसी इंदिरा में इंदिरा गांधी जब बचपन में ही थी तो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें नेहरू जी के आवास पर जो आनंद भवन कहलाता है, आनंद भवन में ही एक बैठक चल रही थी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच, राष्ट्रीय आंदोलन के बीच, कि राष्ट्रीय आंदोलन को सफल कैसे बनाया जाए। लेकिन अंग्रेज जो प्रशासनिक विभाग था वो चाह रहा था कि यह बैठक ना हो और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो असफल हो जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई सेनानी उसमें भाग ले रहे थे बैठक में, और इंदिरा जी भी चूंकि छोटी थी, बच्ची थी, तो वह भी चाह रही थी कि हम भी बैठक में भाग लें। अक्सर होता है हमारे यहाँ कि पिताजी अगर किसी पंचायत में या किसी बैठक में भाग लेते हैं तो बच्चे बगल से जाके सुनना पसंद करते हैं, तो ठीक उसी तरह तो नेहरू जी आए और डांटी कि तुम अभी तक स्कूल नहीं गई है, आज तुमको स्कूल जाना है अभी। तो इंदिरा जी बोली कि अभी 1 घंटा समय है। तो बोला ठीक है, यहाँ क्या गुनगुन कर रही हो, जाओ उधर खेलो। तो बगीचा में चले गई झूला झूलने के लिए। बैठक इधर टाइट पहाड़ा के बावजूद भी कई स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो बैठक में आ गए थे, बैठक चालू हो चुकी थी। तो वो झूला जो झूल रही थी, तो झूला झूलने के लिए वो झूला पे चढ़ के ऐसे 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 जो झूल रही थी, तो जिस समय ये नीचे थी तो बाउंड्री के पार का दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की ओर जाती थी, यहाँ ऊपर जाती थी, तो बाउंड्री के पार का नजारा दिख रहा था पिछवाड़ और या आनंद भवन के बगल का नजारा। तो यह देखती क्या झूला झूलते झूलते कि बाहर पुलिस गुप्त रूप से चारों तरफ आ रहा है, घेरा बना रहा है। इनका दिमाग खनक गया, बानर सेना इन्होंने बनाई थी, बानर सेना के दिमाग में, बानर सेना मतलब कि इंदिरा जी भी बचपन में बानर सेना बनाई हुई थी, तो बानर सेना के दिमाग में खटक गई, यानी इंदिरा जी के दिमाग में खटक गई कि ये कुछ तो बात है। दौड़ के वहां गई गेट के पास, मतलब आनंद भवन जहां बैठक चल रही थी, दौड़ के वहां गई। तो फिर नेहरू जी डांट दिया कि कहां गई तुम, तुमको बोला था इधर नहीं आने के लिए, लेकिन बोली नहीं बाबा बाहर पुलिस खड़ी हुई है। तुरंत सब चौंक गए, तो जो आंदोलन का रूपरेखा जो पेपर वगैरह सब बना था, अब वो पेपर क्या हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा तो आंदोलन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो सबूत हो जाएगा और सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुरंत इंदिरा जी बोली उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में आया कि आप एक काम कीजिए, हम स्कूल जाएंगे, आप तुरंत मेरे बैग में, स्कूल बैग में उस सब पेपर डाल दें और हम लेके जाते हैं। बोला हो जाएगा, बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और वो बैग में डालवाई और कार में बैठ के जाने लगी, तो पुलिस भी चेकअप में आ गई, बोला चेक करेंगे बैग खोलो। इंदिरा जी बोली आपको ऐसा भी लगता है कि अगर पेपर मेरे बैग में देंगे, पिताजी देंगे, तो पिताजी हमारा जान खतरे में डालेंगे, ऐसा भी आप सोचते हैं क्या? तो पुलिस बोले हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और जाने दिया। ये साहसी कदम था, तो यही था साहसी इंदिरा का। तो इस पर हम कुछ विशेष और लड़ाई इंदिरा जी के संबंधित जो सवाल आ सकता है, सवाल जो बन सकता है, उस पर तेजी से आइए ये कर लें। इंदिरा गांधी जी का जन्म जो है, जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था, 19 नवंबर 1917 में। मृत्यु इनकी 31 अक्टूबर 1984, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही, प्रधानमंत्री का जहां आवास है वहीं पे वो आवास से ऑफिस जा रही थी और रास्ते में
भून दिया गया उस पहलू को जाएंगे, उतना सक्षमता में उतना तक नहीं जाएगा उस पहलू में, तो उनका वहीं पे डेथ हो गई थी, कई गोलियां खा गई थी क्योंकि भून दिया गया था। तो 31 अक्टूबर 1984, जन्म 19 नवंबर 1917 और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री काल इनका क्या रहा वो जरा देख लें। 1966 से 1977 तक लगातार तीन पारी तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बनी रही, लगातार तीन पारी तक, चूंकि ये बार बार करेंगे लगातार तीन पारी तक, उसके बाद भी चौथी पारी हुई थी, तो तीन पारी तक 1966 से लेकर 1977, जैसे अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार ये कहा लगा, तो ठीक उसी तरह इंदिरा जी 1966 से 1977 तक लगातार तीसरी पारी तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। अब इसमें वीवीआई एक है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, याद रखेंगे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। यहीं पर एक सवाल और आ जाता है इनसे हटके कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, लेकिन विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो तेजी से देख लें, विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके, याद रखेंगे 21 जुलाई 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी 66 में बनी थी और यह 60 में बनी थी। इनका भी चूंकि श्रीमाओ भंडार नायके जो है इनके पति का देहांत हो गया था, तो उसके बाद ये बनी थी। आगे चले, इनका और कुछ है इंदिरा गांधी जी के बारे में, इसके बाद निजी जिंदगी के बारे में जाना, तो इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी के साथ 1942 में शादी हुई थी, यानी फिरोज गांधी से 1942 में शादी हुई, जिनसे दो पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी हुए। इंदिरा जी की शादी 1942 में फिरोज गांधी के साथ हुई, जिनसे दो पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पे संजय गांधी जो है वो एक विमान दुर्घटना में, बड़े राजीव गांधी थे, संजय गांधी छोटे थे, तो संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में, चूंकि पायलट बनना इनका हॉबीज था दोनों भाई का, तो संजय गांधी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। फिरोज गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना कि फिरोज गांधी 12 सितंबर 1912 में जन्म हुआ, 18 सितंबर 1960 में उनकी मृत्यु हुई। फिरोज गांधी एक पारसी नेता व पत्रकार थे, ध्यान रखेंगे फिरोज गांधी नाम से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम धर्म से है, लेकिन नहीं, वो पारसी धर्म से थे। इंदिरा गांधी हिंदू जो एक ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि फिरोज गांधी पारसी समुदाय से थे और नेता ये पत्रकार थे। अब इनके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं, अब आगे चलें। अब एक बात, अगर कई काम को गिना जाए, सभी प्रधानमंत्री अपने अपने काल में देश हित में बेहद कड़े से कड़े कदम उठाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी के बारे में आयरन लेडीज कहा जाता है, ख्याल रखेंगे आयरन लेडीज किन्हें कहा जाता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। अब किन कारणों से, जरा उनका एक दे कि उनको आयरन लेडीज क्यों कहा जाए। आयरन मतलब लोहे की तरह मजबूत फैसला लेने वाली लेडीज, आयरन लेडीज, और यह फैसला भारत के लिए बेहद कारगर साबित हुआ, अन्यथा दो देश दोनों तरफ से डफली बजाते ढोल बजाते रहता और हम लोग बजते रहते, तो एक तरफ का समस्या समाप्त कर दिए, और ये काफी मजबूत फैसला में से एक है, इसीलिए आयरन लेडीज नाम दिया गया। वो क्या है, तो पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना का एक टुकड़ी बनाई गई सेना की, जिसको नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी सेना, जिसे भारतीय सेना का समर्थन था, निश्चित रूप में भारत सरकार का ये सपोर्ट था, बांग्लादेश को अलग देश बनाने में मजबूत कदम उठाई, इसीलिए इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडीज कहा जाता है, आयरन लेडीज। यानी पूर्वी पाकिस्तान में, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान अभी पाकिस्तान है वो काफी परेशानी खड़े करते थे, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, सक्षमता में उतने हाई लेवल का नहीं आएगा, तो वहां पे मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, चूंकि आजादी के बाद वही राष्ट्रपति बने हुए थे,
तो उनको सहयोग देने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना बनाया गया और तुरंत इंदिरा गांधी जी ने एक कठोर और मजबूत विषम परिस्थिति में यह निर्णय ली और भारतीय सेना का समर्थन था और वो वहां जाकर बांग्लादेश को हेल्प किया, एक अलग देश का निर्माण किया, वहां से पश्चिम पाकिस्तान को वहां से निकलना पड़ा जो काफी संख्या में सरेंडर कराया गया था। तो आयरन लेडी इनको कहा जाता है। अब आगे चलें, सिर्फ ये बात इसलिए कि आयरन लेडीज किनको कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को। अब चले आगे, इनका रिश्ता थोड़ा सा देख लें। रिश्ता, इंदिरा जी का रिश्ता थोड़ा सा देख लें, क्या रिश्ता किस किन से है कि परदादा व परदादी यानी कि नेहरू जी के दादा दादी वहां से चले, तो इंदिरा जी के ध्यान में रख के ये रिश्ता बनाया गया है जो है उनको एकत्रित किया गया कि परदादा और परदादी। इंदिरा जी के परदादा गंगाधर नेहरू और परदादी का नाम था जीवरानी। जीवरानी कभी कभी जीवारानी भी आ जाता है, तो ख्याल रखेंगे परदादा और परदादी का नाम गंगाधर नेहरू और जीवरानी। इंदिरा जी के दादा और दादी का नाम मोतीलाल नेहरू और दादी स्वरूप रानी। दादा एवं दादी इंदिरा जी का मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी, इसको हम नेहरू जी के पिताजी और माताजी भी कहेंगे। पिता और माता, इंदिरा जी के माता पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जाने कि इन्हें चचा नेहरू भी बोलते हैं, चूंकि बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय थे, शांति के प्रतीक ये कबूतर उड़ाने का कई बार बार ये सीन देखे होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और तो पिता और माता जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू। पति का नाम फिरोज गांधी, ये इंदिरा जी का पारिवारिक हिस्ट्री था, यानी परदादा परदादी गंगाधर नेहरू जीवरानी दादा दादी मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी पिता माता जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू पति फिरोज गांधी। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अब करंट में चला है रिश्ते में कुछ इनका व्यक्तिगत ये तो वो तो पीछे का था। अब यहां देखें कि इनके दो पुत्र थे, तो पुत्र और बहू इनके बारे में जान लें। तो बड़ा पुत्र जो है वो राजीव गांधी, बड़ा लड़का राजीव गांधी और उनकी पत्नी का नाम सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। तो राजीव गांधी भी बम विस्फोट में मार दिया गया था एक रैली में, तो इनकी भी हत्या हो गई थी। तो सोनिया जी जो वर्तमान में भी हैं सभी कोई जानते हैं, सोनिया गांधी यानी बड़ा पुत्र और बड़ी बहू राजीव गांधी सोनिया गांधी, इनके दो बच्चे हुए, बड़ा राहुल गांधी जो अभी वर्तमान में जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़ा लीडर हैं राहुल गांधी, और उनकी एक पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा। अब ये क्या पेच है, वाड्रा जो लगाया ये, तो प्रियंका गांधी एक लड़का और एक लड़की, राहुल गांधी राहुल और प्रियंका। तो प्रियंका की शादी जो होगी वो पति का नाम है रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी की शादी जो हुई तो उनके पति का नाम रॉबर्ट वाड्रा है, इसीलिए प्रियंका गांधी के बाद वाड्रा कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं, अब इससे बन साहब आगे चलेंगे तो अभी तो राहुल जी की शादी नहीं हुई है और प्रियंका गांधी की शादी हुई, तो समझ दो लड़का इनको है बस, इनका बंसावली यहाँ पर। अब चलो दूसरे लड़के में, दूसरे लड़के में छोटा लड़का संजय गांधी, संजय गांधी उनकी पत्नी का नाम मेनका गांधी। तो देखिए यहाँ भी इनकी मृत्यु हो गई थी एक रैली में बम विस्फोट में, और इनकी भी मृत्यु, छोटे बेटे का भी मृत्यु हवाई जहाज क्रैश हुआ था उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी का नाम मेनका गांधी। अब देखेंगे मेनका गांधी को एक लड़का वरुण गांधी, संजय गांधी मेनका गांधी का जो लड़का था एक है वो वरुण गांधी है, इनकी भी शादी हो चुकी है जबकि इनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो यहां तक ये वंशावली था। और मेनका गांधी यूपी से पीलीभीत से इनका जो क्षेत्र है वो रहा है, और सोनिया गांधी का इनका यूपी में ही दोनों का है क्योंकि वहां पैतृक घर कहा जाए वहां से ही है, और कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है मामला। तो ये इनका है सक्षमता के दृष्टिकोण से ज्यादा हो गया, ठीक है इसे ज्यादा अब नहीं। तो ये इंदिरा जी के बारे में, चूंकि इस चैप्टर में सांसी इंदिरा आया हुआ था तो इसीलिए हम ये चर्चा इतना कर लिए। अब चले साहसी इंदिरा के बाद इसमें कुछ है साहसी इंदिरा में प्रश्न संख्या आठवां, इंदिरा में आठवां जो प्रश्न है उसमें चलो देख लें
कि कुछ मुहावरा है कि आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, योजना धरी की धरी रह जाना असफल होना, आंखों में आंसू आना दुखी होना, तसल्ली की सांस निश्चित होना, नजर रखना ध्यान रखना। ये थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कि तेजी से हो भी जाए और काम भी हो जाए, रिश्ता भी हो गया ये। अब चले अगला चैप्टर है गंगा नदी। गंगा नदी कविता है बुक वाइज तो देख लेंगे कि उजली उजली बर्फ पिघलकर बह निकली है जल की धारा, दुर्गम पथ से आगे बढ़ती हुई पूज्य पूज्य सक सारा, मुकुट देश का रजत हिमालय गंगा, हृदय हार देश का गंगा है, पहचान देश की गंगा है, आधार देश का, भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान, पतित पावनी देवनंदी या लिखते विद्यापति विद्वान। क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से, तीव्र धार अवरुद्ध हो रही है प्रदूषण के हिसाब से, इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान, निर्मल रहे गंगा की सूरत रखना होगा इसका ध्यान। तो गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी इनके बारे में यही कहा जाए कि गंगा नदी शुरुआत जो होती है वो गंगोत्री से और अंत होती है बंगाल की खाड़ी में, 2525 किलोमीटर तक यह दूरी तय करती है। इसमें सवाल जो है उस सवाल को देख लें, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हम पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ तकनीकी खामियां आ गई है और तेजी से चैप्टर से निकलना भी है, तो हम बोल के कर रहे हैं, लिखने में ज्यादा वक्त ना चला जाए। इसमें कहा जाता है कि पहला प्रश्न जो है कि नदी में स्नान करने में आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। दूसरा है आपको गंदे पानी में स्नान करना अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, गोवा नंबर में लोग किसी नदी या तालाब के आगे। दूसरा में चला, दूसरा का पहला को गंगा की पूजा क्यों क्यों की जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में यह पूजनीय है इसलिए पूजा की जाती है। खो नंबर में हिमालय को रजत मुकुट क्यों कहा जाता है, हिमालय उत्तर में है और चांदी की तरह चमकते रहता है इसलिए रजत मतलब चांदी मुकुट, वो हमारा सिरमौर है इसलिए हिमालय को रजत मुकुट कहा जाता है। गोवा नंबर में गंगा नदी को देव नदी क्यों कहा जाता है, गंगा चूंकि देवभूमि से चल के आई हुई है, देवभूमि से इसलिए हम इसे देव नदी कहते हैं। गोवा नंबर गंगा नदी का पानी किस तरह से गंदा होता है, प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्री से और अन्यत्र सब चीज से। तीन नंबर में है कौन, तीन का कौन, गंगा नदी कैसे बनी है, गंगा नदी हिमालय पर्वत पे बर्फ पिघलने से जो पानी आया वही पानी आकर गंगा नदी का निर्माण किया। कौन नंबर गंगा नदी को साफ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें गंदगी नहीं डालनी होगी, प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, बस आगे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम पेपर में लेके आ जाएंगे। तो गंगा नदी के बारे में एक चीज कहा जाएगा कि गंगा का पानी गंदा क्यों नहीं होता है इतने, जबकि वहाँ सब दाह किया जाते हैं और सब भी हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फोर्स है, उनके कारण से उनमें जो फंगल या अन्य गंदगी है उनको वो खत्म कर देते हैं, इसलिए गंगा के पानी में बैक्टीरिया फोर्स भी रहता है, इसके कारण से गंगा का पानी खराब या गड़बड़ नहीं होता है। तो बाकी इसमें अब कुछ नहीं है, चलें आगे। बैलगाड़ी का दाम 16 में हम चले गए गंगा नदी, 17 चैप्टर में चले बैलगाड़ी के दाम, 7 रुपया तो वो बोला 7 रुपया। धनीराम भूसा का दाम जो बताया, एक गाड़ी का क्या दाम है, तो 7 रुपया। बोला बहुत अच्छा, फिर दोबारा मिला, बोला ठीक है सौदा तय हो गया चलो। तो बैलगाड़ी लेकर गया और भूसा वहां उतार दिया और धनीराम पैसा भी ले लिया और बोला अब हम जाते हैं बैलगाड़ी लेकर। तो धनीराम के मन में लालच आ गया और बोला नहीं, हम तो बात किए थे बैलगाड़ी का, पूरा सेट का, यानी बैल बैलगाड़ी भूसा समूचा किए थे। अब ये बात पे अडिग रह गया, भोला राम पेच में पड़ गया, मजबूरी बस 7 रुपया में पूरी गाड़ी बेचकर, जबकि भूसा का बात हुआ था लेकिन सवाल उलझा गया था कि कैसे बैलगाड़ी, तो जो बोलचाल की भाषा में होता है, तो वही करके चला गया। तो भोला राम मजबूरी में अपना घर को चला गया, अपने बेटे को वो कहा कि ऐसे ऐसे बात है, काफी मायूस था तो परेशान भी हो गया। तो उसका बेटा जो था
चतुर सेन, भोला राम का, भोला राम का बेटा चतुर सेन था, वो समझ गया पापा को पेच लगा दिया कोई। कहां पे लगा पापा? ऐसे ऐसे बात ये बोला, ठीक है आज एक गाड़ी, नई गाड़ी हमको दे दीजिए, हम घुसा दीजिए, फिर अब हम चलते हैं। वो गया रास्ते में, तो फिर तो आदत था, पहला दिन धनी राम को हाथ लगा था लंबा हाथ, तो आज भी रास्ते में खड़ा था, वही उसका बेटा मिल गया चतुर सेन। और चतुर सेन से फिर वही बात, कैसे गाड़ी है? तो बोला वही भूसा है, सस्ता है। वह दाम बताया, भूसा का दाम क्या, क्या गाड़ी का दाम? तो बोला एक मुट्ठी, एक मुट्ठी पैसा बच्चे के हाथ से, मुट्ठी भर सिक्का, बच्चे के हाथ से मुट्ठी भर सिक्का दे देना, बस इसका यही दाम है। तो धनी राम लालच में आ गया, मुट्ठी भर सिक्का तो चलो भाई एक मुट्ठी, जब बच्चा से कह रहा तो मेरे घर में तो बच्चा ही है, उसी बच्चा से एक मुट्ठी दे देंगे। बस बोला नहीं आपने देना है, आपके बच्चे के द्वारा एक मुट्ठी सिक्का लेंगे। बहुत अच्छा, खुशी खुशी गया, वहां खाली कर दिया, गाड़ी भी छोड़ दिया। पैसा लेने की बारी आई तो जैसे ही बच्चा एक मुट्ठी ऐसे सिक्का देने लगा, तुरंत हाथ ऐसे पकड़ लिया चतुर सेन ने, और छुरा निकालकर एक झूठ मूठ का हाथ काटने का एक नाटक करने लगा। अब धनी राम परेशान, ये क्या कर रहे हो, हाथ काट रहे क्यों? बोला बात तो यही हुई थी, एक मुट्ठी सिक्का, तो सिक्का और प्लस ये मुट्ठी भी हमको चाहिए। अब तो मामला फंस गया, बोला नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा का मुट्ठी चाहिए और सिक्का चाहिए। बोला यह कैसे हो सकता है? तो बोला जब यह नहीं हो सकता है तो वह कैसे हो सकता है कि भूसा के बदले पूरा गाड़ी तुमने ले लिया। बंदा फल गया चक्कर में, अकल आ गई ठिकाने, तो भैया नहले पे डाला होता है। तो यही धनी राम चतुर बैलगाड़ी की कहानी है। इसमें कठिन शब्द जो आएगा, चौराहा जहाँ चार रास्ता गुजरता है, कलाई हाथ का वह भाग जहाँ हथेली होता है, क्षमा मतलब माफी देना है। इसमें ज्यादा कुछ अब है नहीं। भोलाराम मंडी क्यों जा रहा था, तीसरा सवाल, भोलाराम मंडी क्यों जा रहा था? तो भूसा बेचने, भोलाराम के होश क्यों उड़ गए? क्योंकि बैलगाड़ी समेत धनी राम खरीद लिया था। चतुर सेन ने भूसा का दाम कितना बताया? एक मुट्ठी सिक्का। चतुर सेन ने धनी राम के बेटे से क्या कहा? चतुर सेन ने धनी राम के बेटे से क्या कहा? बोला तुम्हारे पिता ने पूरा बैलगाड़ी खरीदा था, तो हम एक मुट्ठी भर सिक्का लेंगे, तो तुम्हारा ही लेंगे। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बाकी इस कहानी में, इसके हिसाब से। ओके अब चले 18वां में, 18वां हो गया हम सब। और लास्ट में हम एक जगह समरी करके सबका लेखक का नाम ले आएंगे। हम सब जो आशा दुबे ने लिखी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर गाए, जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाए, देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे चार हैं गोदी इसकी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर गाए, जात पात की बात करें मत, मानव दिवस मनाए, देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे चार हैं गोदी इसकी, खेल खेल पले हैं हम में पूरा प्यार है, प्यार तोड़ने वाले की हर कोशिश नाकाम करें, भारत है तो हम सब हैं, मन में यही विचार करें, खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे, हम तो हैं भारत के बच्चे, हम ना कभी डरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और ये बताया गया है और आगे भी बताते रहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई, और ये सुनते ही नहीं आ रहे हैं, अमल भी करते आ रहे हैं हर कोई। और इसमें कुछ प्रश्न है कि अपने विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो निश्चित रूप में वहाँ पर एकता कायम रखेंगे, सुंदरता को बनाए रखेंगे। दूसरा में है हमारा देश का क्या नाम है, भारतवर्ष, फोन नंबर, अपना देश आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ भांति भांति प्रकार के अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, रहते हुए बावजूद हम लोग एकता के माला में पिरोए रहते हैं। हमारे देश के चार बेटे कौन कौन हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई। वन नंबर, हमें किस कोशिश को नाकाम करना है, एकता को जो तोड़ने का प्रयास करें उसे हम बिल्कुल नाकाम नहीं करेंगे, पूरे समाज से हटा डालेंगे उसे। बाकी इसमें है, चूंकि देखिए आज वीडियो में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, पीडीएफ इस्तेमाल नहीं किया, अब शायद ना कर पाएंगे चूंकि यूट्यूब का अपना अपना एक ये है, तो हम इसका इसके लिख के लाने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो में तत्काल इस तरह काम चलाने का प्रयास करेंगे। वीडियो तेजी से खींचना है। हम जात पात की, 8वां प्रश्न है कि हम जात पात की बात न करें मिलाने के लिए, तो मानव दिवस होगा। हमारे भारत, हमारे प्यारे भारत देश के चार बेटे हैं, हमें अपने बीच के प्रेम को तोड़ने की हर कोशिश बेकार करनी चाहिए, हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम भारत के बच्चे कभी नहीं डरेंगे।
बस यही है। आगे है कुत्ते की कहानी। तो हम लोग आ गए 19वां अध्याय में कुत्ते की कहानी। कुत्ते की कहानी में भी ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी कहानी को सुन लिया जाए कि कुत्ता एक बच्चा है काला जैसा है, वो अपनी व्यथा सुनाता है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो उस समय गद्देदार रुआ बुझा रहा था, हम लग रहे थे कि काफी अच्छे जगह मेरा जन्म हुआ है, आंख जब खुली तो देखे कि बाहर निकले तो एक ऐसे जगह है कि जहाँ माँ बड़े सहेज के रखी हुई है घर के बाहर है, लेकिन चार भाई बहन था, तीन लाल एक काला, कुत्ता जो बच्चा था, चार बच्चे में से तीन का कलर लाल था एक का काला था, तो काला वाला अपनी व्यथा बता रहा था। तो उसमें देखता था कि माँ बच्चे को बड़े सहज के रखती थी, उसके पास कोई किसी को फटकने नहीं देता था, इतनी सुरक्षा कवच बना के रखता था, बीच बीच में वो दूसरे घर जाया करती थी भोजन लाने के लिए खाने के लिए, चूंकि वो खाएगी तो बच्चे को दूध पिलाएगी, लेकिन जैसे भी जाता था तो दुनिया भर में दर्द है, बच्चे को खाना, बच्चे को छोड़िए उसकी माँ जो कुत्ती थी, कुत्ते जो था, कुत्ती जो थी उनको भोजन नहीं देता था, मार के भगा देता था, उस विषम परिस्थिति में बच्चे को पाल रहा था। अक्सर कुत्ता जो बच्चा देती है कुतिया, वो ठंड के मौसम में ही, तो रात भर बच्चा क्यों क्यों क्या क्या करते रहता है, तो इस ठंड में दो बच्चा उसका, दो भाई बहन मर गया, बच्चा दो, इस दो में से थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो एक बच्चे को जो कला वाला था उसको पंडित जी के बच्चा ने उसको उठा के लेके चला गया और अपने यहाँ पालने लगा। अब वहां पे वो रहने लगा, तो उसके हिसाब से जिस तरह पालेंगे उस तरह वो ढल जाएगा, और निश्चित रूप में अगर ईमानदारी से पालेंगे तो वो शरीयत देता है पालतू जो होता है वो आपके लायक होता है। तो पंडित जी भी पाल रहे थे, उसका बेटा पाल रहा था, तो है ठीक है बस। तो एक दिन देखे कि और सब कहीं गए हुए थे, पंडित जी अकेले घर में थे और सोए हुए थे, काफी खर्राटेदार उसके घर में चोर आया, चारों तरफ आपस में आसपास चारों चोर बिखर गया और निरीक्षण करने लगा। कुत्ते को कुछ शक हुआ, वो उस जगह सोया नहीं, वो भी घूमने लगा, घूमते घूमते देखा कि पिछवाड़े में कुत्ता का बच्चा देखा कि पिछवाड़े में कुछ चोर है जो घर से बर्तन वगैरह सब निकाल रहा है, तो वो दौड़ के आया कि अपने मालिक को बताया, मालिक के पास जब भी इशारा करता था तो वो मालिक के पास जब भी इशारा करता था तो वो उसे डांट देता था। कई बार चादर उसका जो ओढ़ के, पंडित जी जो चादर ओढ़ के सोए थे, खड़ खड़ कर रहे थे, तो चादर घिंचने का प्रयास किया तो उसको डांट दिया। तो एक दो बार तंग किया, सुबह होने वाली थी, तो इस कुत्ते को लगा कि मालिक अब ऐसे नहीं जगेंगे, तो मालिक के खाट के नीचे जो लाठी रखा हुआ था, मुंह में लाठी लिया, उसको बजाते हुए जब निकलने लगा तो जाकर पंडित जी जगे और लाठी के साथ वो पीछे पीछे जाने लगे, तो देखते हैं पिछवाड़ में है, तो पंडित जी शोर करने लगे कि चोर है पीछे, तो शोर करने लगे तो कुछ ग्रामीण भी उठे। इसी बीच क्या हुआ था कि कुछ चोर उसका बर्तन वगैरह बगल में तालाब में जाके फेंक रहा था कि दूसरे रात आएंगे यहाँ से ले जाएंगे, कुत्ता यह देख लिया था, तो जब उसको रपेटने लगा सभी मिलके, तब वहां जाके कुत्ता भी वो तालाब में कूदा और वहां से एक बर्तन निकाल के दिखाया, तो समझ गया वो इसमें बर्तन वगैरह सब बहुत सामग्री है, तब फिर वहां से निकाला गया और पंडित जी को कहना पड़ा प्रेम से हाथ फेर कर। देखिए जानवर जब पालते हैं ना तो वो आपको शरीयत देता है ये जानवर है, और विश्वास होगा, देखिए एक साथ विश्वसनीय चीज ये है, देखे ये दोनों एक साथ रहता है मेरे साथ, देखिए कितना अच्छा से है, जब पालते हैं भोजन देना पड़ता है तो मेरे हिसाब से चलता है, और हम गेट पर भी जाते हैं तो ये दौड़ के जाता है, कोई डंडक भी करता है तो वहां से यह संकेत देता है, यहां तक कि कैंपस में सांप बिच्छू भी है तो उसका भी संकेत देता है, तो यह मेरा कहना है कि पालतू जानवर जो है वो शरीयत देता है। तो उसी तरह पंडित जी का कुत्ता उनके पास रहा तो वो शरीयत दिया, और पंडित जी प्रेम से गोद में उठा के और उनको वही बात करने लगे कि तो मेरा पिछले जन्म का कोई नाता था, तो वो एक प्रेम और पुचकार लगाव हो गया कुत्ते के बच्चे से। तो वही है कुत्ते की कहानी। इसमें एक जगह हमको जो सवाल मिला कि इस सवाल पर ध्यान दिया जाए, सारे सवाल के बाद 9वां नंबर सवाल है इसमें, कि 9वां नंबर सवाल है कि आवाज कैसे कैसे निकलता है, तो कौन कैसे आवाज निकलता है, तो चले कुत्ता, कुत्ता को क्या करता है, भौंकता है, भौंकता है। बकरी मिमियाती है, मैं। गाय गाय रंभाती है, गाय के बाद गधा, गधा गधा जो है ढेचू ढेचू करता है,
गधा के बाद है हाथी, हाथी चिंघारता, चिंघारना, 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 चिंघारता है। शेर, शेर दहाड़ता है। शेर के बाद मक्खी, भिन भिन आती है। ये सब साउंड है और कई जानवर है, और इसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से एक वचन बहुवचन है, तो एक ठो है तो एक वचन और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो ये था 19वां नंबर कुत्ते की कहानी। अब चले 20 नंबर खेल खेल में। 20 नंबर खेल खेल में, तो इसमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक राधा कैरेक्टर है, उसकी चाची है, तो राधा अपने बहन के साथ खेल के बारे में, कित कितने खेलते हैं बच्चे, लड़की लोग तो कित कित खेलती है, तो कित कित खेल रही थी, कित कित के साथ वो कूदने वाला रस्सी ऐसे ऐसे करते हैं, एक खटाल से दूसरे खटाल में करते हैं, तो वही समझा रही थी। तो यह समझ के देखकर राधा की चाची जो थी वो बोली, वह भी नहीं रहा गया, वह भी बोली कि हम भी तो खेलते थे, तो सब हंसने लगा। तो फिर वो समझाने लगे, नहीं हम भी अपने समय में कई प्रकार के खेल खेलते थे, तो वही खेल के बारे में चर्चा की है। तो इसमें खेल के बारे में जो चर्चा किया गया है, तो इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, और खेल के बारे में कई खेल को समाहित करने का प्रयास करें, खेल और उसके खिलाड़ी कौन कौन है भारत स्तर पर, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में कुछ नहीं। तो यह वर्ग तृतीय का द इंड माना जाए कि ये 20 चैप्टर था, 20वां पार्ट को देखे। एक इसमें छूट गया है गांधी जी के बारे में, तो अलग से इसको फ्रेश गांधी जी का बनाएंगे, जो मटेरियल होगा सारा मटेरियल जो इस परीक्षा के बारे में समाहित हो सके उसको ध्यान में रखते हुए अलग से हम बनाएंगे। तो इसमें विशेष फोकस रहा इंदिरा गांधी के बारे में, तो उसको जरा देख लेंगे। शुरुआत में है, वीडियो बनाने का कुछ तरीका हम चेंज किए हैं, वो पीडीएफ जब आता था तो थोड़ा आसान होता था, बट अब लगता है कि किताब की जरूरत पड़ेगी। हालांकि देखेंगे कि इसमें हम स्लाइड बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ अब रणभेरी बज चुकी है, तो गति को थोड़ा हम फास्ट करेंगे और जल्दी से क्विक वर्ग चार और वर्ग पांच, हमको लगता है 2 से 4 वीडियो तक में इसको हम खत्म कर लेंगे, वर्ग चार में और वर्ग पांच में भी। 5 के बाद पुनः लौट के आएंगे वर्ग 1 से पर्यावरण और हम और गणित, इनको भी लेके वापस। हमें लगता है अगले 10 वीडियो तक में तेजी से हम वर्ग 5 को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षा की तिथि लगभग लगभग दिखने लगी है कि 24 फरवरी के बाद, 24 फरवरी या उसके बाद अभी तय नहीं हुआ, लेकिन 24 फरवरी एक रेखा सीमा रेखा मान लें, समय कम है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए वो जनवरी का लास्ट सप्ताह या फरवरी का प्रथम सप्ताह ऐसा रहेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगले वीडियो में इस पर भी चर्चा कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेंगे जो भी लगेगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में वर्ग चतुर्थ से हिंदी, कॉम्पल वर्ग चतुर्थ से हिंदी का लाने का हम प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी से खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।